world problems. Based on quadratic equations, इसमें हेडिंग डालिएगा प्रॉब्लम्स on numbers. Problems on numbers. Example number one, the sum of the squares of two consecutive natural numbers सिक्सटीन टू एट जा सिक्सटीन टू थर्टी नाइन जा
थर्टीन वन जा तो थ्री टू जा सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0, और 13x माइनस 12x करेंगे तो 1x आ जाएगा, 13 इंटू माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 156 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहला और जो दूसरा टर्म है इन दोनों में से x ले लीजिए कॉमन, यहाँ से x ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 13, इधर माइनस 12 ले लिया कॉमन तो क्या बचा ब्रैकेट में x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x प्लस 13 इंटू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 13 और दूसरा x की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 12, तो ये माइनस वाला तो छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, वो कह रहे हैं ना फाइंड द नंबर्स द रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी एक्स एंड एक्स प्लस वन, that is 12 and 12 plus 1, 12 and 13, 12 and 13, तो ये हमारे दो नेचुरल नंबर्स हो गए जो वो पूछ रहे थे हमसे। उसके बाद आगे चलते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर टू देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर टू में देखिए क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, फुल स्टॉप। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, इफ द Sum of their reciprocals is, if the sum of their reciprocals is 3/10, comma, find the numbers. बच्चों को दिखाई दे रहा है? Yes sir। ठीक है, इधर x के बाद यहाँ लिखा है वेक्टर टू नंबर्स भी x एंड y। ठीक है, क्या बोल रहे हो भास्कर, बोलो। सर थोड़ा सा कोई बात नहीं। हाँ। सर दिखाई। दिख गया? चलिए लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब वो बोल रहा है कईयों को समझ में नहीं आता, इसलिए कईयों को समझ में नहीं आता, कईयों की पत्नी थोड़ी बाहर में जलता है, इसलिए कह रहा है एक्स एंड वाई, ठीक है। आप ले सकते हो डायरेक्ट द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, ये दो नंबर जो है उनको हमने शुरुआत में एक्स और वाई ले लिया, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 ये हो गया, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू हो गया 15 माइनस एक्स, मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 15 माइनस x, ठीक। तो क्या है कि आप डायरेक्टली भी ले सकते थे कि एक नंबर x है तो दूसरा 15 माइनस x, या फिर अगर इसमें कंफर्टेबल है कि दो नंबर है, एक को x और एक को y मान लिया, तो x प्लस y इज इक्वल टू 15 ये दे दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू 15 माइनस x हो गई, एक इक्वेशन तो ये। फिर वो बोल रहे हैं इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, एज पर क्वेश्चन
sum of their reciprocals 1 upon x plus 1 upon y is equal to 3 upon 10. अब y की वैल्यू डाल दीजिए 15 माइनस x, 1 upon x plus 1 upon 15 minus x is equal to 3 upon 10. तो x और 15 माइनस x बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, तो LCM के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया x into 15 minus x. 15 minus x into 1 is 15 minus x plus x into 1 is x is equal to 3 upon 10 minus x plus x cancel out हो गया, यहाँ बचा 15 upon x into 15 is 15x, x into minus x is minus x square is equal to 3 upon 10, 3 1 is 3, 3 5 is 15. अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 into 10 is equal to 1 into 15x minus x square, ये हो गया, तो 5 into 10 is 15 और 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें मतलब वही रहती है, तो इसको इधर ले आओ माइनस x square इधर आकर प्लस x square प्लस 15x इधर आकर माइनस 15x और प्लस 15 is equal to 0. इसकी मिडटर्म स्प्लिटिंग बड़ी आसान है, इसकी मिडटर्म स्प्लिटिंग बड़ी आसान है, आप देख लीजिए कि माइनस 10 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 15 बन जाएगा और माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 इज प्लस का 15, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, ये हो गया. अब पहला और दूसरा टर्म जो है इसमें से हमने x ले लिया कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 10, इधर माइनस 5 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 10 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या तो x की वैल्यू 10 होगी और या फिर x की वैल्यू 5 होगी, x की वैल्यू 10 या फिर 5, ये दो वैल्यूज हो गई, समझ गए जी, क्लियर, ठीक है. अच्छा, तो वो पूछ रहे थे फाइंड द नंबर्स, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर नंबर्स विल बी 10 एंड 5. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो दो नंबर्स आ रहे हैं आप उन्हीं दो नंबर्स को ले लेंगे सीधा सीधा, ये कैसे लिया हमने कि अगर x 10 है तो y ऑब्वियसली 15 माइनस 10 y 5 ही होगा, भाई दोनों का सम 15 होना चाहिए, और अगर x 5 है तो y 10 हो जाएगा, ठीक है. तो एक नंबर 10 होगा और एक नंबर 5 होगा, ये होगा, ठीक. अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 3, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल. एग्जांपल नंबर 3, the sum of a number and its reciprocal is 2 is to 1 upon 13, 2 is to 1 upon 13, find the number, find the number. तो क्या बोल रहे हैं कि एक नंबर दे रखा है और उसका रेसिप्रोकल दे रखा है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, तो उनका जो सम है वो है 2 is to 1 upon 13, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि आपको वो नंबर फाइंड आउट करके बताना है, देखिएगा द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 टू 1 अपॉन 13, लेट द नंबर बी x, नंबर बी x, देन एज पर क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन x is equal to 2 is to 1 upon 13. LCM लेंगे, x into x is x square plus 1 upon x. 32 is 60. 60 plus 1 is 61 upon 13.
cross multiplication, 30 into x square plus 1 is equal to 61x. 30x square plus 30 minus 61x is equal to 0. So 30x square minus 61x plus 30 is equal to 0. देखना कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया. अब क्या करना है कि 30 इंटू 30 करेंगे तो बन जाएगा 900. 30 इंटू 30 करेंगे तो 900 बन जाएगा, ठीक है? 900 का मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 2 से करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से करते हैं पहले, फिर 2 से करेंगे 225. अब एकदम से मन में आएगा कि 5 से करना है, लेकिन 5 से मत करना, बढ़ते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं. पहले 2 देखा तो अगला प्राइम नंबर फिर 3 है, फिर 3 से ही ट्राई करेंगे. फिर अगला प्राइम नंबर हमारे पास आएगा 3, तो 3 7 21 ये हो गया. फिर 3 से हो जाएगा 325 सर. अब 5 से होगा 5 5 0 और 5 1 0, ठीक है? तो थर्टी सिक्स और ट्वेंटी फाइव 61 हो जाएगा, ठीक है? 3 3 9 2 18 2 36, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया 36 का, और एक ये बन गया 25 का. तो माइनस 36 माइनस 25 ऐसे कर दो, 30x स्क्वायर माइनस 36 माइनस 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये हो गया. इसके बाद देखिएगा, ये जो पहला दूसरा टर्म है इसमें क्या कॉमन आ सकता है, 6x, तो 6 5 30 और इधर x बच गया माइनस 6. फिर इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है माइनस 5 कॉमन लेंगे तभी 5x बचेगा, 5x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया 5x माइनस 6 और 6x माइनस 5. यहाँ से ये कहेंगे इधर 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 और x इज इक्वल टू 5 अपॉन 6. x की वैल्यू या तो 6 अपॉन 5 या फिर 5 अपॉन 6 कुछ भी ले सकते हो. रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि द सम ऑफ अ नंबर एट इट्स रेसिप्रोकल. तो अगर नंबर 6 अपॉन 5 लिया तो उसका रेसिप्रोकल 5 अपॉन 6 हो जाएगा, उन दोनों का सम यही आएगा 2:1/30. नंबर 5 अपॉन 6 लिया तो उसका रेसिप्रोकल 6 अपॉन 5 लिया, ये. अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए इन दोनों में से एक टर्म नेगेटिव आ गई तो उसको ड्रॉप कर देंगे. रीज़न क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ अ नंबर एट इट्स रेसिप्रोकल. तो अगर मान लीजिए नंबर माइनस 6 अपॉन 5 तो उसका रेसिप्रोकल भी माइनस 5 अपॉन 6 होगा, और नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दूसरे पहले नेगेटिव नंबर और दूसरे नेगेटिव नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव में ही आएगा, जबकि यहाँ रिजल्ट है प्लस का 2:1/30, ठीक है? तो अगर कोई इन दोनों में से नेगेटिव आ जाए तो उसको ड्रॉप कर देना, ठीक. अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स integers, comma, sum of whose squares is 290, sum of whose squares is 290. मेरे को दो consecutive odd positive integers बता दें, consecutive odd positive integers. तो अगर मान लीजिए एक हमारे पास integer odd number लेना है ना मेरे को, तो अगर मान लीजिए एक ऑड नंबर हमारे पास x है तो दूसरा अगला कॉन्सिक्यूटिव ऑड आएगा x प्लस 2, ये समझ गए, ठीक है? क्योंकि जैसे मान लीजिए एक ऑड नंबर हमारे पास 13 है
तो 13 में 2 ही ऐड करना पड़ेगा तभी अगला ऑड इंटीजर आएगा यानी कि 15 है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि लेट 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 2। अब वो बोल रहे सम ऑफ होल्स स्क्वायर्स इज 290, तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम जो है वो 290 के इक्वल है। स्क्वायर्स का सम जो है वो देखना है, तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, तो एक नंबर x है दूसरा x प्लस 2 है, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 290। x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इनटू x इनटू 2 इज इक्वल टू 290। x square plus x square is 2x square, 2 ka square is 4 plus 4x minus 290 is equal to 0. अभी देखिएगा यहाँ पर ये हो गया 2x square plus 4x 4 minus 290 is माइनस का 286। ये जो तीन टर्म्स हैं इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस मतलब 2 4 2 3 7 इक्वल टू 0। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 143 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 143 है तो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8, ये 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, 5 में भी नहीं आ रहा है, 7 में भी नहीं आ रहा है, 7 के बाद अगला क्या है 11 में आ रहा है, तो 11 वन ज़ा 11 14 माइनस 11 इज 3 3 3 33 11 3 ज़ा 33 और 13 वन ज़ा 13, तो 13 और 11 दो ही नंबर आ रहे हैं, तो 13 और 11 का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है 2 है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। तो पहला और दूसरा जो टर्म है इसमें से x ले लिया हम, ये आ जाएगा x प्लस 13 माइनस 11, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास x प्लस 13 x minus 11 is equal to 0, तो x plus 13 is equal to 0 और x minus 11 is equal to 0, तो x is equal to minus 13 जिसको ड्रॉप कर देना है क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है कि consecutive और positive integers, तो negative वाले को ड्रॉप कर देना है और यहाँ से x is equal to आ गया 11। So the required consecutive required 2 consecutive odd positive integers are 11 and 13, 11 है और 13 x और x plus 2। ये 2014 में आया था ये वाला क्वेश्चन।
अब एग्जांपल नंबर 5 6 7 ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं सारे मिलते जुलते हैं, इनको छोड़ रहा हूं मैं। एग्जांपल नंबर 9 करेंगे। एग्जांपल नंबर 9 मैंने आपको बताया था टू डिजिट नंबर को कैसे मेंशन करा जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में शायद बताया था टू डिजिट नंबर। अगर नहीं ध्यान है तो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। जब भी कभी हमारे पास कोई भी टू डिजिट नंबर आता है तो आप एग्जांपल के तौर पर एक टू डिजिट नंबर ले लो 27। 27 क्या है, एक टू डिजिट नंबर है हमारे पास ये, ठीक है। तो 27 इसमें हम क्या करेंगे कि ये तो वन डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट, और ये टेन डिजिट है तो 2 × 10 प्लस 7 × 1, 2 × 10 प्लस 7 × 1 तो 2 × 10 कितना हो गया 27 × 1 हो गया 7, तो ये बन गया ना 27। तो कोई भी टू डिजिट नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमसे कोई टू डिजिट नंबर पूछा जाता है तो हम उस टू डिजिट नंबर को इस तरह से लेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि लेट द टू डिजिट नंबर बी एक्स, ना ऐसे नहीं लेना, हमको ये कह रहे हैं कि लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड द टेंस डिजिट बी वाई, ठीक है, ऐसे करना है। तो क्वेश्चन देखिएगा पहले, एग्जाम्पल नंबर 9 लिखिएगा पहले, क्वेश्चन है क्या, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट the product of its digits, a two digit number is such that the product of its digits is 14, sorry, is 18, is 18, full stop. When 63 is subtracted from the number, when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. जब भी कभी होगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी हमने यही करा था, यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड द टेंस डिजिट बी वाई, ऐसा आपको करना होगा। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड द टेंस डिजिट y, यूनिट्स डिजिट को x मान लीजिए, टेंस डिजिट को y मान लीजिए, लेट द यूनिट्स डिजिट बी x एंड द टेंस डिजिट बी y, ठीक है। उसके बाद है अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब भी टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा यूनिट्स डिजिट को x मान लीजिए, टेंस डिजिट को y मान लीजिए, और टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर केसेस में आप ये देखेंगे ये जरूर दे रखा होगा कुछ भी कि व्हेन 63 सबट्रैक्टेड या व्हेन समथिंग इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट्स जब अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये नंबर है 13, तो अगर इसके डिजिट्स अपना प्लेस इंटरचेंज कर लें तो ये 31 बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, नंबर निकालेंगे, नंबर नंबर कैसे निकलेगा, यूनिट्स डिजिट क्या है एक्स, तो यूनिट्स डिजिट में तो 1 मल्टीप्लाई कर दो, और टेंस डिजिट क्या है वाई, टेंस डिजिट में वाई मल्टीप्लाई कर दो, तो x into 1 is x और y into 10 is 10y, तो x plus 10y, तो हमारे पास जो नंबर है
वो आ गया x प्लस टेन वाई। यहाँ तक बताइए क्लियर, x प्लस टेन वाई, ये तो नंबर हो गया। उसके बाद क्या है, अगर डिजिट्स अपना प्लेस इंटरचेंज कर लें तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स नंबर, मतलब उल्टा नंबर। तो रिवर्स नंबर में क्या होगा, डिजिट्स अपना प्लेस इंटरचेंज कर रही है, यानी कि ये जो यूनिट्स डिजिट है ना x, ये टेंस डिजिट बन जाएगा, मतलब x इंटू टेन, और जो टेंस डिजिट है y, ये यूनिट्स डिजिट बन जाएगा, मतलब y इंटू वन। ये हो गया टेन एक्स प्लस वाई, नंबर हो गया और रिवर्स नंबर हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब क्या बोल रहे हैं वो, व्हेन 63 सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर नंबर में से 63 सबट्रैक्ट कर दिया जाए। अच्छा, एक चीज और दे रखी है बिल्कुल शुरुआत में, वो क्या दे रखा है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। तो यहां पर लिखें गिवन, गिवन x इनटू y is equal to 18, it implies that y is equal to 18 upon x, ये करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल कर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो y की वैल्यू x के टर्म्स में दे रखी है। तो क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन उसमें ऐसा होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन बनी थी, यानी कि दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है, और यहाँ पर y जो है वो x की टर्म्स में आ जाएगा, और फिर जब आप इक्वेशन बनाएंगे ना तो उसमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, x में ही कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आप ये देखें कि बिटा दिया मैंने, इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था, तो y को हमने 15 माइनस x सब्सटीट्यूट करा, यहाँ पर y आ गया 18 अपॉन x। अब देखिएगा कंडीशन क्या दे रखी है, 63 सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो लिखेंगे नंबर माइनस 63, व्हेन 63 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट्स जब इंटरचेंज कर लेंगे अपना प्लेस तो क्या मिलेगा हमको, रिवर्स नंबर। तो व्हेन 63 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि वी गेट रिवर्स, हमें रिवर्स नंबर मिल जाएगा। अभी नंबर क्या है, x प्लस 10 वाई माइनस 63 इज इक्वल टू, रिवर्स नंबर क्या है, टेन एक्स प्लस वाई। अब इसको इधर ले आओ, x माइनस टेन एक्स प्लस टेन वाई माइनस वाई, और माइनस 63 को इधर ले जाओ, ये हो गया प्लस का 63, सही है। x माइनस टेन एक्स कितना हो गया, माइनस 9x, और टेन वाई माइनस वाई इज प्लस का 9y, 63। ठीक, इसमें से ले लीजिए 9 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 63, तो 9 7 का 63, मतलब माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, बोलो सही है। अच्छा जी, अब जो वाई है, वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो माइनस एक्स प्लस y की जगह आप रख देंगे 18 अपॉन x, चाहो तो नेगेटिव लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिव साइन पहले ही कॉमन ले लो, मतलब माइनस वन कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस वन है ये इधर जीरो के नीचे चला जाएगा, 0 बन जाएगा, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x, 9x माइनस 2x बन गया प्लस का 7x, और माइनस 18
इज इक्वल टू 0। तो जो पहला दूसरा टर्म है इसमें से आप x ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 9। इसमें से माइनस 2 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 9। ये हो गया x प्लस 9 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x is equal to minus 9 और x is equal to 2। x की वैल्यू minus 9 आ गई या x की वैल्यू 2 आ गई। तो a two digit number is said that the product of its digits, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि मैं negative वाला तो लूंगा नहीं, मुझे positive वाला लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि वो कह रहे हैं 63 is subtracted from the number। तो नेगेटिव में से किसी भी नंबर को, अगर मान लीजिए x को मैं माइनस 9 ले लेता हूँ, तो फिर जो y है y कुछ और आएगा, y आपका जो है वो भी माइनस 2 आ जाएगा। तो फिर जब किसी नंबर में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 63 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो सब्ट्रैक्शन नहीं कहलाता, नेगेटिव में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब वो एडिशन बन जाता है। तो इसलिए आप जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए टू डिजिट नंबर वाला, उसमें नेगेटिव वाले यूनिट को आप ड्रॉप कर देना। आप यहाँ पर कहेंगे x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 18 अपॉन x, यानी कि y इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 1 2 2 9 18, तो y की वैल्यू 9 आ गई। नंबर पूछा था उन्होंने, फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या आ जाएगा नंबर क्या था, x plus 10 y, x plus 10 y, तो x कितना है 2 plus 10 into 92 हो गया नंबर। बताइए क्लियर है? चलिए ओके। इसके बाद जरा देखिएगा, ये हमारा एग्जांपल नंबर 9 था, एग्जांपल 10 भी इसी के जैसा, इसको छोड़ रहा हूँ मैं। एग्जांपल नंबर 11 देखेंगे। आदित्य पानी बच रहा है कि उसमें बॉटल में देना है?
the sum of the fraction and its reciprocal is 2:16/21. 2:16/21, comma, find the fraction. Find the fraction. तो ये बोल रहे हैं the denominator of a fraction is one more than twice the numerator. तो let the fraction be, जब भी कभी आपको fraction दे रखा हो तो fraction को सीधा सीधा x upon y मानेंगे, ठीक है. पैटर्न वही लेकर चलेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लेकर चले थे. यहाँ पर भी मैं कुछ और तरीका बता सकता था कि आप टेंथ डिजिट को, जैसे यहाँ पर है ना 2 डिजिट नंबर इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18, तो आप यूनिट्स डिजिट को x माने और टेंथ डिजिट को आप 18 अपॉन x मान लें, ठीक है. तो हम यहाँ पर भी ये बता सकते थे, लेकिन मैं एक ही पैटर्न लेकर चल रहा हूँ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर भी अप्लाई होगा और यहाँ पर भी अप्लाई होगा. तो वहाँ पर भी जब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता था तो फ्रैक्शन को x अपॉन y मानते थे, तो इनिशियली आपने फ्रैक्शन को x अपॉन y मान लिया. उसके बाद वो क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. तो डिनोमिनेटर क्या है y, यहाँ लिखेंगे एज पर क्वेश्चन डिनोमिनेटर इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. 2 इनटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 2 को मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो गया ट्वाइस द न्यूमरेटर और इससे 1 ज्यादा, तो इसमें 1 ऐड कर दिया. तो भाई डिनोमिनेटर क्या है y, न्यूमरेटर क्या है x, तो y इज इक्वल टू 2x + 1. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. y की वैल्यू हो गई 2x + 1. यहां तक बोलिए समझ गए, ठीक है. अब वो कह रहे हैं इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस, तो गिवन सम ऑफ द फ्रैक्शन मतलब x / y + y / x is equal to 2:16/21. चाहे तो वैल्यू यही रख दो या चाहे पहले सिंपलीफाई कर दो इसको. सिंपलीफाई कैसे होगा, बिल्कुल अलग टर्म्स है तो दोनों का एलसीएम के नाम पर दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. ये एक्स वाई हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21 + 42 + 16 = 58 अपॉन 21. बोलो समझ गए, ठीक है. यहाँ तक करने के बाद में x और y दो वेरिएबल बता रहे हैं, हमको तो y की वैल्यू पता है कितनी है 2x + 1. अब y की जगह 2x + 1 डालो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी. तो x² + y की जगह आ गया 2x + 1 यानी कि x² + 2x + 1 का स्क्वायर अपॉन x * y यानी कि x * x plus 1 is equal to 58/21 is equal to 58/21. अब expand करिए इसको, ये x square हो गया, अब x का whole square plus half square मतलब a square plus b square plus 2ab 2 into 2x into 1 upon denominator में x into 2x is 2x square, x into 1 is x is equal to 58/21. ये 58/21 हो गया. तो ये क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको, क्या हो गया 4x square plus 1 का square is 1 plus 2 into 2x is
4x upon 2x square plus x is equal to 58 upon 21. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, 58 इनटू 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 21 इनटू इनटू x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 58 2s are 2, 8s are 16, 2, 5s are 10 और 11, 116, x square plus 58x is equal to 5 is 5, 5 is 10, 105 x square plus 21, 4 is 84x plus 21. अब सब कुछ left hand side में ले आइए, तो 116 x square minus 105 x square प्लस 58x माइनस 84x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. ठीक, इसके बाद 116 माइनस 105 ये कितना हो गया, 11x स्क्वायर. 58 माइनस 84 कितना हो जाएगा, 26 माइनस 26 एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0. ठीक, अब 11 इंटू माइनस 21 कर लो, 11 बनता 11, 1 कैरी आ गया, 11 टू 22 और 1 23, माइनस का 231 हो गया. अब 26 माइनस का 231, तो ये जो 231 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, 23 माइनस 1 माइनस 2 3 7. अब ये 3 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, 7 11 जा और 11 1 जा, तो 11 3 जा 33, 33 माइनस 7 करेंगे 26 आ जाएगा. ठीक है, 11 3 जा 33, 33 ऐसी कॉम्बिनेशन बनाकर देखते हैं, 11 3 जा 33, 33 माइनस 7 इज 26, माइनस का 26 चाहिए, तो 11 x स्क्वायर माइनस 33 x प्लस 7 x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. तो ये जो पहला और दूसरा टर्म है इनमें से 11 x आ रहा है कॉमन, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3 प्लस इधर से 7 ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा, x माइनस 3. 11x plus 7 into x minus 3 is equal to 0. यहाँ से आता है x की वैल्यू minus 7 upon 11 आ जाएगी, या x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 वाला ले लो, ये वाला छोड़ दो. ठीक है, तो फ्रैक्शन पूछ रहे हैं ना, वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो y is equal to 2x plus 1, तो y is equal to 2 into 3 plus 1 यानी कि 7. फ्रैक्शन विल बी 3/7, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/7. ठीक है, बस ये इतना कर लीजिए आज, और शाम की तो क्लास होगी नहीं, और कल और परसों का ऑफ है, सीधा मंडे को मिलाता है. ठीक है, चलिए.